हेलो। तो मैं अपना पूरा स्किन केयर मतलब जो भी है सब कुछ जो बेस लगाना होता है स्किन केयर का वो मैंने सब लगा लिया है। उसके बाद मैं मेकअप यूज करूंगी सो दैट जो कि वो मेरे स्किन पे इफेक्ट ना करे। हेलो, मैं हूँ मीरा और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा मेरा थोड़ा सा आज मूड है कि बहुत लाइट मेकअप करूँ, बिल्कुल नेचुरल। तो बहुत ही बहुत ज़्यादा लाइट करने वाली हूँ जो हमारे स्किन को भी थोड़ा सा ठीक ठाक रखेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो मैं फेस वॉश, टोनर, क्रीम ये सब तो मैं इसमें लगा चुकी हूँ जो कि ये बेसिक, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये लगाना मत भूलिएगा, डायरेक्टली मेकअप नहीं लगाते स्किन पे, अदरवाइज वो स्किन में मेकअप बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बट अगर मेकअप आपका अच्छी कंपनी का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके साथ साथ आपको ये स्किन रिजीम तो फॉलो करनी ही पड़ती है, जैसे कि फेस वॉश, फेस क्लीन किया, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, देन उसके ऊपर जो भी आप मेकअप की चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, जो मुझे चीज़ें मिल रही है अभी फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे निकलना है जल्दी से बाहर, तो मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं कर रही, तो मैंने सारी चीज़ें यूज़ कर ली। मैं यहीं पे आसपास ही हूँ, वो घर के आसपास, तो ना ही मैं कुछ बीबी क्रीम या फाउंडेशन या कॉम्पैक्ट कुछ नहीं लगा रही हूँ। मैंने आज CTM कर लिया है पूरा प्रॉपरली अच्छे तरीके से। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ बहुत लाइट एंड नेचुरल मेकअप, तो जो कि एक यूज़ करना होता है। मैं बस आपको दिखा देती हूँ, इट्स वेरी नेचुरल। तो ज़रूरी नहीं है आपको फाउंडेशन कॉम्पैक्ट लगाना है। अगर मैंने आपको जैसा बताया है कि मैं आप स्किन केयर यूज़ करके आप स्किन को नेचुरल रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो ज़्यादा मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। सिर्फ मैंने मेरा स्किन बहुत मतलब लाइक एकदम सॉफ्ट एंड सपल है, ना ज़्यादा ग्रीसी है ही नहीं ग्रीसी, ना ड्राई है। तो मुझे आज कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ आज हल्का सा काजल एंड एक लिप कलर लगाना चाहती हूँ, दैट्स इट। और एक नेल पेंट, जिससे कि मेरा आज बिल्कुल ही लाइट एंड हल्का सा मेकअप करने का मन है, तो मैं वो लगा देती हूँ। हल्का सा मैं हाइलाइटर ट्राई करूँगी, बट अभी मैं नहीं बता सकती कि मैं लगाऊंगी नहीं लगाऊंगी। तो ये है मेरा लाइनर, बट मैं लाइनर नहीं लगाना चाहती, जैसे कि मैंने बोला कि आज मैं बिल्कुल नेचुरल रखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी काजल, जो कि ये ब्लू, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। ब्लू कलर का लाइनर एंड काजल दोनों पे वर्क करेगा, तो मैं इसको अंदर की साइड लगा रही हूँ। आपका ये पर्सनल होना चाहिए, किसी और का नहीं लगाना है, ना ही किसी को देना है। देखिए अंदर लगाया है मैंने, ये थोड़ा सा थिक में है, तो अगर आप सिर्फ लिपस्टिक और काजल भी लगाते हो तो आपका बहुत अच्छा लुक आता है। यहाँ से थोड़ा सा बीच में डार्क कर रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों जिससे एकदम एक जैसे लगे। जी मेरा हो चुका है। तो आईज पे लगाने से बिल्कुल अलग इफेक्ट आ जाता है। तो मैं हमेशा काजल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे फेस को हमेशा आदत हो जाती है, जिस दिन हम नहीं लगाते उस दिन फिर हमें बिल्कुल बोरिंग सा लगता है, खाली खाली लगता है। दिस इज माई लिप केयर। सही, अगर आप इसका ब्रश यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, ब्रश से यूज़ करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप ब्रश नहीं यूज़ करते हैं, ये आपका खुद का पर्सनल है, तो आप इसे पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको आज ब्रश से अप्लाई करके बताती हूँ। ये मेरा है लैक्मे का इनरिच सैटिन P158। दिस इज वेरी वेरी कूल कलर, और ये मेरे ख्याल से सब लिप्स पे चलेगा 100%। इससे करने से क्या होता है, अगर आपने गलती से कभी किसी को दे दिया तो उसको भी एलर्जी नहीं होगी, और अगर आप किसी को देते हैं तो भी आप ब्रश से यूज़ करते हैं या ब्रश से यूज़ करवाते हैं तो ये बहुत बेस्ट है। यहाँ से लेंगे,
इसका कलर ना थोड़ा सा इफेक्ट इसमें वीडियो में अलग सा दिख रहा है, अदरवाइज ये कैसे बताऊं लाइटिश रानी पिंकिश कलर का है। तो आप मुझे बताइए, मैंने सिर्फ टू थिंग्स अप्लाई किया है, ये लिप कलर और काजल, क्या आपको लग रहा है कि मुझे और कुछ नीड है? सी, आप जिस तरीके से लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका थोड़ा सा स्किन अभी फिलहाल डल है तो आप थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, मगर जैसे जैसे मैं आपको स्किन केयर बताते जा रही हूँ आपका स्किन बहुत शाइन करने लगेगा, आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हाइलाइटर है, बस मैं सिर्फ ये जो वाइट वाला, ये सिर्फ हाइलाइटर यूज़ करूँगी, दैट्स इट। क्योंकि मुझे शाम को ना जब मेकअप करा होता तो मैं अच्छे से मेकअप रिमूवर से क्लीन करती हूँ कि बिल्कुल ना रहे ना आईज, मतलब काजल भी नहीं रखती हूँ, और रात को रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें हो चुका है, दिस इज ओके। तो ये होगा आपका बहुत लाइट एंड नेचुरल मेकअप। तो आप इस तरीके से भी रेडी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं लगाना है, लाइक दिस। देखिए आप देख रहे हैं, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, आप प्लीज मेरे उस पे मत जाइएगा, क्योंकि यू नो लॉकडाउन में तो कोरोना चल रहा है, तो अभी हम कहीं ज्यादा पार्लर वगैरह में नहीं जा रही हूँ। मैं आपको फिर भी पास से दिखा देती हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है, ये देखिए। तो ये ओरिफ्लेम का काजल एंड लाइनर है, और मैं दो प्रोडक्ट के बारे में बताना भूल गई थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।